हाय गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी रसोई में लाई हूँ आपके लिए पाव भाजी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, तो देर किस बात की, चलते हैं अपने किचन में और आपको बताते हैं पाव भाजी की रेसिपी। तब तक फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, बनाते हैं पाव भाजी। तो फ्रेंड्स, पाव भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं हम। पाव भाजी बनाने के लिए हमने भाजी के लिए लिया है हरी मटर और एक फूल गोभी, और करीब मैंने जो है 300 ग्राम तक आलू को छील कर मैंने इसमें मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए थे। आप इसमें जो है शिमला मिर्च या गाजर भी डाल सकती हैं, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकती हैं। अब इन सबको मैं डाल के मैंने इन सबको कुकर में डाल दिया। अब करीब इसमें मैं डाल रही हूँ 250 ml पानी उबालने के लिए। अब मैं इसमें ढक्कन लगाऊंगी और इसे मैं गैस पर रख दूंगी। एक सीटी आने तक इसे मैं रख दूंगी। ये मेरा एक सीटी आ चुका है फ्रेंड्स, प्रेशर पूरा मेरा निकल चुका था। अब मैं देख रही हूँ सब्जियाँ मेरी अच्छे से बॉयल हो चुकी थी। अब मैं इसे छान ले रही हूँ। पानी को फ्रेंड्स इसका फेंकना नहीं है, पानी हमारा ऐसे रहने दीजिए, इसको मैं सब्जियों में प्रयोग करेंगे। अब मैं भाजी की तैयारी करती हूँ। भाजी बनाने के लिए हमने जो है लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में आपको जो है वहाँ पर बड़े बड़े से तावे रहते हैं उस पर बनाते हैं, तो घर पर इतना बड़ा तावा उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो हमने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक स्पून भर के रिफाइंड ऑयल। तब मैं इसमें डालूंगी बटर। अगर मैं डायरेक्ट बटर डाल देती तो मेरा बटर जो है जल जाता है, इसलिए मैंने पहले रिफाइंड ऑयल डाला तो फिर इसमें डाल रही हूँ बटर। अब बटर मेरा अच्छे से गल जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी एक स्पून भर के। मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। अब जीरा को अच्छे से मैं चटकने दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट। अब इन सबको अच्छे से एक दो मिनट तक इसे मैं भून लूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, करीब जो है एक दो सेकंड तक इसे मैं ऐसे भून लेना है, बहुत ज़्यादा इसका भूनना नहीं हमको। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। करीब मैंने 250 ग्राम तक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, इसे मैंने छिलका निकाल कर बारीक कट कर लिया था। अब प्याज को भी मैं ज़्यादा भूनूंगी नहीं, सिर्फ इसे गलने तक ही पकाऊंगी। ये देख सकते हैं प्याज मेरा अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। फ्रेंड्स, अगर पाव भाजी आप बना रहे हैं तो टमाटर डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, क्योंकि पाव भाजी में टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने इसमें जो है करीब 300 ग्राम तक टमाटर का प्रयोग किया है, जिसे मैंने धुलकर बारीक कट कर लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा स्पून हल्दी पाउडर और एक छोटा स्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं, और इसमें अब डालूँगी मैं स्वादानुसार नमक। हमें नमक अपनी सब्जियों को अकॉर्डिंग जो है पूरा डालना है, क्योंकि इसमें अभी हम सब्जियां भी मिलाएंगे, इसी अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है। आप चाहे दो बार में इसको डाल सकते हैं। अब मैं इसे टमाटर को गलने तक इसे मैं ढक दूंगी। करीब दो मिनट तक इसे मीडियम आंच पे मैं ढक के पकाऊंगी। ये मेरा दो मिनट हो चुका था फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं टमाटर मेरा अच्छे से गल चुका है, देख रहे हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा प्रेस करते ही इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी जो बॉयल किया था मैंने सब्जी, उसको मैं डालकर अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और ये पानी का मैं प्रयोग कर रही हूँ, जो मैंने आलूओं को बॉयल किया था, सब्जियों को जो छान कर रखा था, उस पानी को मैंने डाल दिया इसी में। अब मैं इसमें करीब 3 स्पून भर के डालूंगी पाव भाजी मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी। इससे जो है हमारे पाव भाजी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इस सबको अच्छे से घोट लूँगी। फ्रेंड्स, पाव भाजी को घोटने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। इसे जितना अच्छे से आप घोटेंगी उतना ही अच्छा जो है आपका पाव भाजी बन के रेडी होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा इसे हमने दबा दबा के इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से हैंड मेसर लेना है और इसे अच्छे से दबा दबा के मिक्स करना है। अगर आपके पास इस तरीके से हैंड मेसर नहीं है तो आप कोई भी लंबी तरीके से ग्लास ले लीजिए और उससे जो है इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब मेरी भाजी बनके तो रेडी थी, लेकिन उसका कलर जो है मार्केट जैसा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है फ्रूट कलर्स। इससे जो है हमारे भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा दिखने लगेगा ये। अब मैं एक स्पून भर के डाल रही हूँ बटर। पाव भाजी में तो बटर का ज़्यादा ही प्रयोग होता है फ्रेंड्स, तभी जो है हमारी पाव भाजी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब मैं इसे कलछी से पूरे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जो है कलर हमारा पूरे सब्जियों में अच्छे से मिलकर रेडी हो जाए। अब मैं इसे और अच्छे से घोट लूंगी, खूब अच्छे तरीके से इसे मैं मिक्स करूंगी। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मैंने मिक्स किया है। अब करीब मैं इसे एक मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे ढक के रख दूंगी। ये मेरा एक मिनट हो चुका था फ्रेंड्स। अब मैं देखती हूँ मेरी सब्जी कैसे बनी है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। अभी थोड़ा सा इसे मैं और घोट लूँगी, बिल्कुल मुझे मार्केट जैसा बनाना है इसलिए मुझे खूब अच्छे से इसे मिक्स करना है। बिल्कुल एक भी इसमें सब्जी का पता नहीं लगना चाहिए, सारी सब्जियाँ एक सार से हो जाएं। बहुत अच्छी तरीके से हमें सब्जियों को घोटना है फ्रेंड्स। कलर तो बिल्कुल जो है मार्केट जैसा उभर के आया फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो आप ऊपर से इसमें पानी डाल सकते हैं, बट मेरा जो है सब्जी जो है मैंने अपने सब्जी के अकॉर्डिंग पानी डाल चुका था मैंने पहले से ही। ये देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी में हमको जो है भाजी बनानी है, बहुत ज़्यादा ना पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब मेरी भाजी बनके रेडी है। इसमें मैं डाल दे रही हूँ धनिया की पत्ती, बस इसे मैं ढककर साइड में रख देती हूँ। अब मैं पाव सेकती हूँ। ये मैंने रखा पैन, और ये मैंने भाजी थोड़ा सा निकाल कर रख लिया था क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट में जो है बड़े बड़े तावे पे भाजी बनती है और उसी पे पाव सेका जाता है, तो उसमें जो है भाजियों का जो है टेस्ट आ जाता है। तो घर पे इतना बड़ा तावा तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम अलग अलग बर्तनों में बनाते हैं। तो हमने थोड़े से भाजी निकाल ली है। ये मैंने डाला बटर, मैं दो पाव सेकूँगी उसके अकॉर्डिंग मैं डाल रही हूँ बटर, और थोड़ा सा डालूँगी धनिया की पत्ती, और इसमें थोड़ा से डालूंगी मैं जो मैंने भाजी बनाई थी। अब मैंने देख रहे हैं बीच से पाव को कट कर लिया था और इसे अच्छे से डाल के ये मैं दो पाव इसमें सेक रही हूँ। इसे मैं घुमा घुमा के अच्छे से सेक लूँगी ताकि पूरे पाव में मेरा जो है बटर और भाजी का फ्लेवर आ जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा हमारा जो है पाव भाजी बन के रेडी हो रहा है। अब मैं इसे थोड़ा सा घुमा दूंगी और इसे मैं बैक साइड भी इसे मैं सेक लूंगी थोड़ा सा। देख रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसा कलर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बना था मेरा पाव भाजी फ्रेंड्स। इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। अगर ये पाव भाजी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स कि ये पाव भाजी आपको कैसी लगी।
पाव मेरा अच्छे से सेक चुका है, ये देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से अच्छे से पाव सेक लिया है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में। और आपको भाजी भी निकाल के दिखाती हूँ कितना अच्छा मेरा पाव भाजी बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं बहुत ही अच्छा मेरे पाव भाजी का कलर आया और उतना ही अच्छा इसका टेस्ट है फ्रेंड्स। तो ट्राई आप ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी ये पाव भाजी की रेसिपी? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अब आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।